तो सर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें इस प्रिपरेशन में चीज़ों को इंटरनालाइज़ करना है मैंने काफ़ी बार ऐसा सुना है कि हम कई लोग हमें कहते हैं कि हम सर ये सिलेबस में तो है लेकिन इसका मकसद क्या है हमें इसका क्या फ़ायदा है कि गवर्नमेंट में आने के बाद या एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं ये सर्विस एक ऐसी सर्विस है एक ऐसा जॉब है जो अक्रॉस द बोर्ड आपको अलग अलग एक्सपीरियंसिस देगी अपनी लाइफ में इसमें आप चाहे रेवेन्यू में जाए चाहे पुलिस में जाए चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में आए आप फॉरेन सर्विस में जाएंगे तो आपको किसी भी लेवल पर कोई भी काम कोई भी नॉलेज काम आ सकती है तो वो नॉलेज आपको तब याद होगी जब आपने वो चीज़ें इंटरनालाइज कर करी होगी अपनी प्रिपरेशन के दौरान इस प्रिपरेशन का सबसे जो ख़ास ये क्वालिटी देता है इंसान को वो है कि आप हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट इतनी नॉलेज आ, आ जाती है आपको कि आप किसी भी टॉपिक पर बात कर सको कोई भी ऐसा डिबेट नहीं होगा जिस पर आपके पास दो तीन पॉइंट ना हो बोलने के लिए आपको इसमें हिस्ट्री के बारे में पता होगा चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो मॉडर्न हिस्ट्री हो मिडीवल्ड हो एंशेंट हो इकानमी के बारे में पता है इंडियन इकानमी क्या पहले थी अभी क्या है जोग्राफी के बारे में वर्ल्ड जोग्राफी इंडियन जोग्रफी आपको एनवायरनमेंट uh, के बारे में नॉलेज होगी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें क्या हो रही है गवर्नेंस में क्या हो रहा है पॉलिटी में क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें आपको एक कम्प्लीट पर्सनैलिटी बनाती है जो कि चेक होगी फिर इंटरव्यू के दौरान अब उसी पे बात करने के लिए सहील सर को मैं इनवाइट करता हूँ असल वरम्ला फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक तहलील सर एंड द मैनेजमेंट फॉर हैविंग अस हियर इसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं एग्जैक्टली आई कैन फील कि आप लोग के स्टेज पर है क्योंकि कुछ महीने पहले हम खुद इसी स्टेज पे थे हम एज स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और हम लोगों के सेमिनार्स अटेंड कर रहे थे सो so, मुझे लगता है कि इस वक्त द मोस्ट एनी वे स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगी दे आर अवेलेबल एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट दे आर आर मतलब हारमोनाइज हो चुका है यू पी और के का सिलेबस सो so, अगर आप यू वालों की भी स्ट्रैटेजी उठाएंगे इट इज़ वन एन द सेम थिंग बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप लोग अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं मेरे हिसाब से ईच वन ऑफ यू हेयर इज़ अ गैदरर आप गैदरर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपका इस वक्त सिर्फ एक काम है फुल फोकस और फुल मोटिवेशन के साथ नॉलेज गैदर करते जाइए अगर आप यू या के का पेपर उठा के देखेंगे डेफिनेटली देर आर क्वेश्चन जो बुक्स से नहीं निकलते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे के ए एस में देव अ सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फायर वॉल किस काम आता है हमने तो कोई बुक नहीं पढ़ी थी इसके लिए इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड सिमिलरली यू पी एस सी में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको बुक से नहीं मिलते हैं अगर आप किसी को भी पूछोगे पॉलिटी के लिए क्या पढ़े एवरी वन रथ से लक्ष्मीकांत ये तो ये जेनेरिक आंसर है नाउ पॉलिटी में ही कोई क्वेश्चन आएगा जो लक्ष्मीकांत पर नहीं होगा सो वॉट यू डू अबाउट इट ये तो प्रॉब्लम है बट वॉट यू नीड टू रियलाइज इज अगर किसी कश्मीर के स्टूडेंट ने या जम्मू के स्टूडेंट ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है डेली के स्टूडेंट ने भी वही पढ़ी है सो योर ओनली वर्क इज़ टू एनलार्ज योर होराइजन आपको पढ़ते जाना है यू हैव टू गैदर नॉलेज जो क्वेश्चन आपको किसी बुक से नहीं निकलेगा वो उसको भी नहीं निकलेगा यू नीड टू ये आपको ये चीज़ अपने दिमाग में डालनी है क्योंकि ये डर नहीं रखना है कि योर रीडिंग एनी बुक और आप सोच रहे हो लेकिन मैंने ये बुक पढ़ी ये तो आंसर नहीं निकल रहा है इसमें एग्जाम में ये आंसर नहीं निकल रहा है लीव दिस थिंग आप पढ़ते जाइए अभी आपका स्टेज है ऑफ अ गैदरर आप बस नॉलेज गैदर करते जाइए एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट डो नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट क्योंकि मैं आपको आई एम श्योर कामला मैम और दावर सर मेरे साथ यहाँ पे अग्री करेंगे We वन नाइन्टी फोर स्टूडेंट्स हु अपेयर इन द इंटरव्यू मैं कहूँगा जो ये वन नाइन बाकी हम तीन के अलावा वन नाइनटी वन स्टूडेंट्स हैं अगर हमसे ज़्यादा नहीं लेकिन इन बच्चों का कैलेबर हमसे कम भी नहीं था एक पॉइंट पर लक भी काम करता है सो so आपका काम है आप नॉलेज गैदर कीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटीज़ लेनी है थ्री प्रॉन्ट अप्रोच है जो कामला मैम ने भी बोला कि आपको एक साथ चलना है प्रिलम्स मेन्स इंटरव्यू आज से ही सोचना शुरू करो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैसे सोचेगा वैसे हर चीज़ को आप सोचना स्टार्ट कीजिए पहले आपका सबसे पहले प्रिलम्स आता है फर्स्ट सी और पॉइंट्स वहाँ पे जो आपको इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की या दावर सर ने यूज़ की कामिला मैम ने यूज़ की वो आप लोगों के काम आएगी मे बी यू विल नीड समथिंग एल्स इट्स अ टेलर फिट एग्जाम आपको अपने प्रोज और कॉन्स देखने हैं और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है सेम इज द थिंग ट्यूशन सेंटर्स मेरा अपना आई शेयर माई ओन एक्सपीरियंस विद यू फॉर मी दे हैव बिन बेनिफिशियल मतलब मैं कहूँगा कि मेरे लिए ठीक ठाक था इट वॉज नॉट बैड इट वॉज नॉट वेरी गुड बट हाँ मेरे को गाइडेंस की जरूरत थी जो मुझे मिली ट्यूशन सेंटर्स में ऑन द कॉन्ट्री माई ब्रदर ही क्वालिफाइड द सेम एग्जाम लास्ट ईयर उसने कोई भी कोचिंग कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी एंड ही क्वालिफाइड द एग्जाम तो ये सब मैंटेलिटी आप छोड़िए कि कोई इंसान बोल रहा है मेरे को ट्यूशन सेंटर जाना है ये फायदेमंद था ये फायदेमंद नहीं था टेलर फिट अप्रोच लीजिए अपने आप को देखिए जो आपको ठीक लग रहा है जो आपको लग रहा है नहीं दिस इज़ केटरिंग टू माई नॉलेज ये मेरे को बेस्ट आउटपुट दे रहा है आपको उस पर चलना है बाकी वेन वी स्पीक अबाउट प्रिल्मस जो मैंने यहाँ खास करके बहुत स्टूडेंट्स में देखा है जी एस वन एंड सी सैट यही दो पेपर्स हैं सी सैट को आप प्लीज लाइटली मत लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है देर इज अ वेरी वेरी सिंपल अप्रोच फॉर इट आप सी साइट का पेपर लीजिए लास्ट ईयर का जो के ए ए एस का एक ही पेपर अभी हुआ है विच इज़ आर पेपर जो हमने प्रलम्स में लिखा है दैट शुड बी द बाइबल फॉर यू क्योंकि आप लोगों के पास कोई भी अभी मटीरियल नहीं है अगर आप सिंपली योर एमिंग फॉर के ए एस आपके पास और कोई भी आप वो सी सैट पेपर ले लीजिए अटैम्पटेड वंस और ट्वाइस इफ यू आर स्कोरिंग अबाउ एटी टू नाइन्टी मार्क्स देन यू डोंट नीड टू स्टडी फॉर इट फिर उस पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आपके मार्क्स उसमें बराबर नहीं आ रहे हैं आप जी एस वन में डेढ़ सौ नंबर भी लाइए वो चेक तक नहीं होगा पेपर तो जब मैंने वो चीज़ देखी इन द बिगिनिंग इट सेल्फ आई वॉज़ फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू स्टडी मे बी आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे जो सुबह उठते होंगे आज आठ दस घंटे पढ़ेंगे लेकिन दो घंटे के बाद दट सेट सो मैंने क्या किया आई स्टार्टड यूजिंग दीज स्टॉप वॉचेस हम क्या करते हैं वैन वी स्टडी हम लोग किताब हाथ में लेते हैं पाँच मिनट हो गए फ़ोन हाथ में उठा लिया अगले पाँच मिनट हो गए किसी ने बुला लिया सो डू वन थिंग स्टार्ट टाइमिंग योर आर्स आप एक बार दिन में देखो कि जो आप घर में बोल रहे हो कि मैं सुबह बैठा पढ़ने और रात को उठा आपने इफेक्टिवली पढ़ा कितने घंटे आई थिंक इवन तहलील सर कवर दिस पॉइंट कि इफेक्टिव आर्स ऑफ स्टडी आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैन आई वॉज इन डेली वहाँ पे वन ऑफ माई प्रोफेसर्स है मी कि यहाँ पर लोग डेली में पाँच पाँच छः छः साल निकाल देते हैं मगर उन्हें इफेक्टिवली एक साल भी नहीं पढ़ा होता है ये एक या दो साल की बात है इंशाल्लाह शाह ऑल दो मैं सबको एक चीज़ बोलना मुझे लगता है मेरा ये फ़र्ज़ है आप लोगों को बोलना विद जे के पी एस सी एंड के एस ये हार्डवर्क का भी एग्ज़ाम है और आपकी पेशेंस का भी टेस्ट है yeah. ये आपके सब्र का भी इम्तहान लेता है क्योंकि इसमें होती कुछ ना कुछ आता ही रहता है समथिंग और द अदर विल कीप ऑन हैपनिंग बट द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इज़ द वन जो ये सब छोड़ के अपनी पढ़ाई पर कॉन्सन्ट्रेट कर रहा है एंड ही इज़ मूविंग अहेड

कि आप विद इन यू क्वालिफाई दीज थ्री एग्जाम्स ये सुनने में बहुत आसान लगता है बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आज कॉम्पिटिशन भी वैसा है सो एज कामिला मैम सेड यू कैन नॉट बी कम्पलेसेंट बहुत पढ़ने की ज़रूरत है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी मोटिवेटेड मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वैन आर स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम यू नीड टू बी मोटिवेटेड जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं है जब तक आप में वो है नहीं कि वाई आई एम स्टारिंग फॉर दिस एग्जाम इज इट ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट कि बस मतलब नौकरी मिल नहीं रही है कल बैंक का एग्जाम आ जाएगा वो दे दूंगा नहीं ऐसे नहीं चलेगा यू नीड टू हैव दैट फोकस कि मैं क्यों कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज मुझे वॉट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड इट क्या सच में मेरा स्टेटस चेंज हो जाएगा क्या सब लोग मेरा नेबरहुड वी हैव पीपल आई वॉज जस्ट स्पीकिंग टू कामिला मैम अबाउट दिस कि देर इज़ अ पर्सन परसन हमारे साथ क्वालिफाई किया है एंड ही इज सेंग फ्रॉम माई विलेज आई एम द वेरी फर्स्ट गेजिटेड ऑफिसर लीव सिविल सर्विसेज सो जस्ट इमेजिन उनने अपने लोगों के लिए फॉर हिज विलेज मतलब ही हैज़ बिकम सच एन इंस्परेशन तो आप लोग भी इंशाल्लाह गो अहेड एंड बिकम दिस इंस्पिरेशन फॉर द पीपल क्योंकि सिविल सर्विसेज मुझे लगता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपके लिए नहीं बाकी सब लोगों के लिए जो भी हुआ जो आपको देखते हैं कल जब वो भी देखेंगे आपने एग्जाम क्वालिफाई किया दे विल ऑल्सो बी आफ्टर यू एंड ट्रस्ट मी ये महीनों से ज़्यादा का फासला नहीं है कि वी वर सिटिंग हेयर एंड नाव यर हेयर एंड आई होप द सेम फॉर यू एंड आई रियली होप कि अगर अब हारमनाइज हो चुका है सिलेबस दोनों यू का और के का यू शूड मेरे हिसाब से एवरी वन शुड ट्राई एंड स्टडी फॉर आई क्योंकि मुझे लगता है कोई भी देर वॉज वन ऑफ द एक टॉपर uh, थे रिसेंटली अमंग द टॉप थ्री आई एस में उन्होंने अपने इलेवेंथ और ट्वेल्थ के मार्क्सिट शेयर किए थे ही हैट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट मार्क्स तो किसी भी एवरी पर्सन यू जस्ट नीड अ लिट मतलब थोड़ा सा आपको इंटेलेक्ट लेवल होना चाहिए एंड दैट इज़ इट और वो मुझे लगता है वो यहाँ एनी वेज इन बिल्ट होता है बच्चों में सो यू शुड एम फॉर आई एस आप पढ़िए आप बड़े एग्जाम्स के लिए पढ़िए आई रियली होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि यू विल एम फॉर द मून एंड यू विल फॉलो इन द स्टार्स कम से कम दैट विल हैपन फॉर यू एंड मेरी तरफ से आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बाकी हम तीनों ने वी हैव डिसाइडेड दिस बिफोर ऑलसो अगर हम लोगों की तरफ से भी बिकॉज वी हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी अगर हम लोगों की तरफ से भी कोई भी हेल्प किसी भी तरह की हेल्प किसी भी कोई भी गाइडेंस किसी को भी गी एंड इवन तहलील सर वॉर स्पीकिंग अबाउट दिस इवन इन गेस्ट लेक्चर्स या कहीं भी वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू सर थैंक यू